नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। भारी बारिश से जिला सोलन में इस बार भारी तबाही मची है। लोग परेशान हैं, लगातार भूस्खलन के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। सोलन में पिछले हफ्ते से 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में जो भारी बारिशें हुई है, उससे भारी त्रासदी जिला सोलन में देखने को मिली है। और भारी बारिश के से हुए नुकसान की सबसे बड़ी एक वजह चंडीगढ़ शिमला फोर लेन भी है, क्योंकि फोर लेन का निर्माण चला हुआ है और फोर लेन की वजह से जो जगह जगह पर भूस्खलन हुए हैं, जहां जगह जगह पर जो जमीन धसी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि सोलन के विधायक व स्वास्थ्य मंत्री कर्णन धनीराम शांडिल और कसौली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने जिला सोलन में जो उनके निर्वाचन क्षेत्रों में जो नुकसान हुए हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं फोर लेन निर्माण को जिम्मेवार ठहराया है। खतरा अभी टला नहीं है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जमीन लगातार धंसती जा रही है। और यह वो जगह है जहां पर फोर लेन के NHAIA के इंजीनियर के साथ साथ जो फोर लेन का निर्माण कर रही कंपनी ग्रिल कंपनी के इंजीनियर भी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार बारिश के कारण यह सड़क दबी है, इससे पूर्व भी करीब 4 से 5 बार अब सड़क यहां पर दब चुकी है। बार बार यहां पर इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन लगता है कि सोलन की मिट्टी को समझने में NHAIA के इंजीनियर भी और जो फोरलेन का निर्माण कर रही ग्रिल कंपनी के इंजीनियर भी पूरी तरह से फेल हो गए। इस बारिश ने यह साबित भी कर दिया है, जिस तरह से भूस्खलन के मामले फोरलेन पर देखने को मिल रहे हैं, उसके वजह से यह बार बार बंद भी हो रहा है। और यही वजह है कि जिला प्रशासन के लिए भी परमाणु से केतरी घाट तक नेशनल हाईवे NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग एक चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। कारण है कि जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह पर सड़क दब रही है, उसकी वजह से जिस तरह से सूची में नुकसान हुआ है, वहां पर करीब 5 मकान धराशायी हो गए, आधा दर्जन मकानों को में दरारें आ गई है। और यही वजह है कि वहां पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कुमारटी के पास फोर लेन एक लेन में तब्दील हो गया है, कोटी में यही स्थिति बनी हुई है, दतियार में यही स्थिति बनी हुई है और पुलिस लाइन के पास की आप एक तस्वीरें देख रहे हैं। और यहाँ पर सड़क करीब 5 बार पूरी तरह से धस चुकी है। एक बार पूरा डंगा यह नीचे गिर गया था और उसमें जो मंदिर थे वो भी दब गए थे। और यही वजह है कि जो सामने वाली कॉलोनी है, उनके युवाओं ने मंदिर का फिर से एक नया निर्माण किया है दूसरी जगह पर, थोड़ी सेफ जगह पर। लेकिन जिस तरह से दरारें यहाँ पर गहरी हो गई है, उससे लग रहा है कि जो नीचे की कॉलोनी है उसके लिए एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया है। पिछली बार कहा गया था जब यहाँ पर दरारें आई थी कि सेब का कारोबार हो रहा था, सेब के ट्रक इस लेन में खड़े हो रहे थे। इस बार भी क्योंकि पार्किंग इसी को बनाया जाता है सेब के कारोबार के दौरान, तो उसकी वजह ये बताई गई थी कि जो दरारें पड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर सेब के ट्रक खड़े हो रहे थे बड़ी संख्या में और उसकी वजह से ये जमीन धंस गई है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बारिशें हुई, बारिशों के बाद यह जमीन पूरी तरह से एक बार फिर सड़क धंस गई है और इसकी वजह से NH को भी एक बार फिर से खतरनाक पैदा हो रहा है। नहीं आ रहा है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि जो इंजीनियर है वो इंजीनियर इस हमारी जो मिट्टी है उसको समझने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। सोलन की यह तस्वीरें हैं और इसी तरह के हालात आपको पूरे NH पर दिखाई देंगे। परमाणु से लेकर केतरी घाट तक इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, लगातार भूस्खलन वहां पर हो रहे हैं। भूस्खलन के जमीन धंसने की वजह से इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है सोलन के, क्योंकि चंडीगढ़ शिमला जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है वो जिला सोलन में दो निर्वाचन क्षेत्रों से होकर जाता है। सोलन और कसी में इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान हुए हैं। और सोलन में तो नुकसान की दूसरी वजह यह भी है कि शांति का क्षेत्र मौन का एरिया हो, या फिर चंबा घाट से वाहना घाट के बीच का क्षेत्र हो, या फिर परमाणु से धर्मपुर के बीच का क्षेत्र हो, वहाँ पर जगह जगह पर भूस्खलन हुए हैं, सड़कें धंसी हुई है, उसकी वजह से जो मलबा है वो लोग जो साथ लगती बस्तियों में वहाँ पर घुसा है और उसकी वजह से भूस्खलन भी हुए हैं। कई मकानों को खतरा हुआ भी है, कई मकान वहाँ पर गिरे भी हैं। सूजी में जो सनावर के पास जगह है वहाँ पर 3 मकान जमींदोज हो चुके हैं, क्योंकि
फोर लेन के ऊपर से जो भूस्खलन हुआ उसकी वजह से जो चट्टाने नीचे गिरी उसकी कारण जो फोर लेन की दूसरी लेन है उसमें काफ़ी सारी दरारें आ गई और ज़मीन फिर खिसकती गई और एक पूरी बस्ती को वहां पर नुकसान हुआ है। इसी तरह की स्थिति पूरे नेशनल हाईवे पे बनी हुई है और इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पुलिस लाइन के सोलन के आसपास के पास की है, जहाँ पर यह फोर लेन करीब 4 से 5 बार अब फिर यहाँ पर ज़मीन धंसी है। चौथा या पांचवा यह मामला है। उससे पहले यहाँ पर एक डंगा लगाया गया था तो डंगा भी अब जवाब दे गया है और जिस तरह से ज़मीन धंसी है तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हमारे इंजीनियर है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि फोर लेन के निर्माण के ऊपर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। चिंता इस बात को लेकर नहीं है कि सड़कें धंस रही है, चिंता इस बात को लेकर है कि जो फोर लेन में फ्लाई ओवर और पुलों का जो निर्माण हो रहा है उसकी उनकी गुणवत्ता को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि यदि सड़कों की इसी तरह की स्थिति है तो पुलों की कैसी स्थिति होगी। इसको लेकर लोग अभी से ही चिंतित होने शुरू हो गए हैं। कुम्हारहट्टी में जो फ्लाई ओवर बना है उसको लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो चंबा घाट में फ्लाई ओवर अभी निर्माणाधीन है, सलोगड़ा के पास अभी फ्लाई ओवर का वहाँ पर एक बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा है और इसी तरह कंडा घाट में भी एक बहुत बड़े पुल का निर्माण हो रहा है। इनके निर्माणों के ऊपर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से सड़क की हालत है, जहां जगह जगह पर सड़क धंस रही है, जगह जगह पर डंगे टूट रहे हैं, जगह जगह पर भूस्खलन ऊपर पहाड़ों से नीचे हो रहा है, उसकी वजह से मलबे के ढेर सड़क पर चारों ओर फैले हुए हैं और यदि इसी तरह से पुलों का भी निर्माण हुआ तो लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित जरूर हैं, क्योंकि बार बार सड़कों का धंसना यह समझ से परे है। जिस तरह से सड़कें यहाँ पर धंस रही हैं, फोर लेन जिस तरह से यहाँ पर धंस रहा है, एक वर्ष में 2 बार यह पुलिस लाइन में नेशनल हाईवे धंस चुका है, बार बार इसी पॉइंट पर सड़क धंस रही है और यही वजह है कि इंजीनियरिंग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नेशनल हाईवे की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, यही हम बार बार कह रहे हैं। भारी जो है भूस्खलन सड़कों पर हुआ है, जगह जगह पर अभी भी मलबा गिर रहा है और यही वजह है कि NH5 पर अब वाहनों की आवाजाही बहुत कम देखने को मिल रही है। पर्यटन सीजन चला हुआ था तो बड़ी संख्या में वाहन शिमला की ओर जा रहे थे, लेकिन अब वाहनों की आवाजाही बहुत कम है। कारण है कि कई जगह पर जो फोर लेन है वो एक लेन में तब्दील हो गया है, चारों तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। कुम्हारहट्टी के पास ऊपर मलबा है और नीचे सड़क धंस रही है और स्थिति यही हो गई है कि एक ग्रामीण सड़क बनकर वहाँ पर लेन बह गया है और यही स्थिति कई जगहों पर देखने को मिल रही है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।